आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्री बीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्री बीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में था अभी तक। हमारी सरकार बनी थी उसके पहले, जैसे देश भर में सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क है, देश भर में सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है, वैसे ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत थी। पढ़ाई होती नहीं थी, सरकारी सारे स्कूल टूटे फूटे पड़े थे, दीवारें टूटी हुई थी, छतें चू रही थी, ब्लैक बोर्ड था नहीं, डेस्क नहीं थे, नीचे बैठे रहते थे बच्चे, उनकी कोई पढ़ाई नहीं होती थी। 18 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद था। आज अगर हमने इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अच्छा कर दिया, अगर मैं इन बच्चों को अच्छी शानदार शिक्षा दे रहा हूं लेकिन फ्री में दे रहा हूं, तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूं।